और मैं SSP SP और मंत्री साहब का हाथ जोड़ के धन्यवाद करता जिन्होंने मैनू एडे वे क्राइम तो बचाया। मामला तो परचा तो खारिज हो गया SSP की साहब की सहायता नाल SP का SP साहब की सहायता नाल और मंत्री साहब की सहायता नाल सानू बहुत वधिया मतलब उन्होंने इंसाफ दिता है। लेकिन मेरे पति बिल्कुल बेकसूर सीगे, 9 दिनों जेल में रहे, देश की सेवा करने वाला एक जो नौजवान 9 दिन बेकसूर जेल में रहा, वो साड़ी अंदर आत्मा सानू अंदरों अंदर खा रही है। यही चाहते हाँ कि वह लड़की उन्होंने परिवार वाले सख्त सज़ा दी जाए ताकि अगे तो यह क्राइम ना हो। साढ़े पिंड के लोग भी बहुत डरे हुए हैं, कहते कल साढ़े बच्चे जवान ने, जे उन्होंने ये स्टैप हो गया तो अं कि पास जावे। मैं तो SSP साहब SP साहब मंत्री जी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हाँ जिन्होंने सानू एडे वे क्राइम होने तो बचा लिया। हलका भोआ के पिंड चश्मा में बीते दिनों जमीनी विवाद को लैके एक जड़ा मामला गरमांदा नज़र आया सीगा, जिसके तहत एक परिवार के उपर जड़ा परिवार के मुखिया के उपर जो कि पूर्व सैनिक है उसके उपर जी किडनैपिंग का पर्चा दर्ज कर दिया गया सीगा। जिस तो बाद परिवार वालों कैबिनेट मंत्री पंजाब लालचंद कटारचौक सहित उच्च अधिकारियों इस मामले संबंधी दसया गया सीगा कि जो मामला उत्ते दर्ज होया वो गलत होया। जिस तो बाद इंक्वायरी के दौरान जड़ा आ इस व्यक्ति को जड़ा आ पूर्व सैनिक नूं मामले तो खारिज कर दिता गया, उनका मामला जिहड़ा उहदे ते होया सीगा और रद्द कर दिता गया। अज परिवार वालों मंत्री साहब का SSP साहब और उच्च अधिकारियों का धन्यवाद किया गया और सुनदे उनकी जुबानी। मेरा नाम जसवीर सिंह है, मैं आर्मी चो रिटायर हाँ। मैं 17 साल जो आर्मी की नौकरी की है, मैं सच्चे मन नाल और सच्चे अपने विश्वास नाल जो है मैं देश की सेवा की है। मैं लेह दे विच ड्यूटी के दौरान 2013 26 सितंबर जो है मैं बर्फ के कारण जो है मैं बर्फ में आ गया सी और मेरे दोनों घुटने जो है 60% जो है कंडम है, मैं जो अपने पैरों पर भी चल नहीं सकता। तो मैनू ये दसो कि मैं एडा वड्डा क्राइम किदा कर सकता। मैं तो एक अपने बुढ़े सोहरा साहब अपनी सस साहब जिन्होंने जो है पैरालाइज का अटैक होया है, मैं इन्हां दी सेवा करन वास्ते जो है मैं इन्हां कोल रहिंदा सी, एक छोटा जिहा जमीन का टुकड़ा ही जिन्हां वास्ते जो है मैनूं इन्होंने मेरे ते एडा वड्डा क्राइम कीता। और एक 16 साल की लड़की ने जो अपने खुद कपड़े पाड़ के और पिंड दे कुछ शरारती तत्वों के नाल रल के जो आ मेरी ए मेरे ते एडे वड्डे इल्जाम लाया, मैं 9 दिन जेल विच कट्टिया। मैं चाहता कि मैनू यह जो 9 दिन मैं जेल में कट्टिया मैनू एक दिन का जो है मैनू इहदा हिसाब मिले और मेरे बच्चों की जो पढ़ाई है इन्हों की पढ़ाई जो है खराब हुई है और मेरे सोहरा साहब 10 दिन जो है एक बाहर उधर उधर दौड़े है और भटके है और मेरी मिसिज जो है अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख पाई, अपने माँ प्यो की सेवा नहीं कर पाई और अपने पति की सेवा नहीं कर पाई। मैं चाहना कि मैं प्रशासन के अगे हाथ जोड़ के बेनती करना कि मैनू इहदा इंसाफ मिले और जिन्होंने मेरे ते क्राइम किया इन्हों सख्त सख्त सज़ा मिले। और मैं SSP SP और मंत्री साहब का हाथ जोड़ के धन्यवाद करता जिन्होंने मैनू एडे वे क्राइम तो बचाया। और मैं बजरंग बली भोलेनाथ माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता परमात्मा का जिन्होंने मेरे उपर जो है अपनी सतर साया बनाई रखी और मैनू जो है मैं मंग करता कि मैनू इहदा इंसाफ दिता जाए। जय हिंद। हाँ जी सर, मसला तो एक छोटे जे जमीन के टुकड़े का सी, ये छोटे जे जमीन के टुकड़े की निशानदेही होनी सी, इहनू जबरदस्ती बाहना बस उसी चीज़ नू सानू रोकना, ये साड़ी उन्होंने साड़ी प्रॉब्लम नू गलत समझिया। अहीं उन्होंने कहा कि साड़ी निशानदेही होनी है, तुसीं इस निशानदेही तो बाद अपनी जगह नू बाहो। बस यही गल्लां बातों तो साड़ी बहस बसाई हुई है, लड़ाई हुई है जिहदे विच मेरे पति ने रोकण की बड़ी कोशिश की है, उन्होंने पैर ते जबरदस्ती ट्रैक्टर चढ़ाया उन्होंने लड़के ने जिहदा नाम है राहुल सिंह, उन जबरदस्ती ट्रैक्टर चढ़ाया है जी। बस मेरे बच्चे ने भी पुकार दी है, वह भी रो मेरे पापा के पैर ते ट्रैक्टर चढ़ाता, अं भी पुकार दी है
थोड़ी देर बाद इन्होंने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिता है। अज तो एस एस पी मिले हो किस चीज़ लाके मिले एस एस पी साहब निले अना बहुत धन्यवाद करने सर उन्होंने साड़ी बहुत ज़्यादा सहायता की इस क्राइम तो सू बचा वास्ते इन्ना व्डा क्राइम मैं जिंदगी असी कभी सोचा भी नहीं कि एक भी 22 साल की लड़की साढ़े इन्ना व्डा क्राइम कर सकती है। मेरी उम्र 36 साल हो चुकी है, मेरे पति की 42 और मेरे पिता जी 80 साल के बुजुर्ग साढ़े तिना से उन्होंने बहुत गलत इंजाम लगाया। अं सोच भी नहीं सकते जिंदगी कभी भी नहीं सोच सकते कि इन्ना व्डा क्राइम साढ़े ते एक जमीन के टुकड़े की गल हो रही थी। उन्होंने सिर्फ इस जमीन के टुकड़े जिले उन्होंने पता लग्या कि साड़ी जमीन 22 पहले तो उन्होंने 60 फुट जबरदस्ती मान ली है, फिर जिले उन्होंने ये पता लग्या कि साड़ी जमीन का टुकड़ा दे फ्रंट 22 फुट है, फिर उन्होंने साढ़े ते झूठे इल्जाम लगाते। परचा दर्ज किया जी जिले जी जिले उन्होंने पता लग्या कि मेरे हसबेंड का पैर तो फ्रैक्चर हो चुका है कि अं तो मतलब साढ़े तो 26 की धारणा कोई बन जाए इदा इदा अं तो उन्होंने ये गल बोली भी नहीं पर उन्होंने सोचा है इसे धारणा तो बचण वास्ते धारा तो बचण वास्ते उन्होंने साढ़े इन्ने इन्ने व्डे इल्जाम लगा दते। अं कभी सोचा भी नहीं सी उस लड़की ने रातों रात झूठा नाटक करके अपने कपड़े एस एस अपने कपड़े पाड़ के रात के 2-2.5 बजे योजा चरित्र कर दी है। सानू पिंड वाले दसते हैं सानू नहीं पता, अं तो अपने घर सुते हुए सी सुबह वो एस एस पी दे पता नहीं सुबह शाम ये सानू ये पता नहीं किस टाइम आई है वो एस एस पी दे दफ्तर च आके उन्हें अपने झूठे चरित्र दसे लड़की ने आके सर हूँ तो अं चाहते हैं मामला तो परचा तो खारिश हो गया एस एस पी दी साहब की सहायता नाल एस पी द एस पी साहब की सहायता नाल और मंत्री साहब की सहायता नाल सानू बहुत वधिया मतलब उन्होंने इंसाफ दिता है। लेकिन मेरे पति बिल्कुल बेकसूर सीगे 9 दिनों जेल में रहे, देश की सेवा करने वाला एक जो नौजवान 9 दिन बेकसूर जेल में रहा वो साड़ी अंदर आत्मा सानू अंदरों अंदरों खा रही है। अं चाहते हैं कि उन्होंने जेल में रखा जाए, सानू इंसाफ दिता जाए, कल आने वाली पीढ़ी कोई छोटे बच्चे दे जे इस तरह का इल्जाम लग जाता उसकी हालत की होंगी ये अं जान नहीं सकते। ठीक है सर, मैं यही चाहनी हूँ सारे साहब एस एस पी साहब सारे अपने तो व्डे बुजुर्ग मतलब एस पी साहब मंत्री साहब अं सारे मैं ये बेनती करनी है कि सानू इंसाफ दिता जाए, कल तो आने वाली पीढ़ी साढ़े बच्चों के कोई इदा का इल्जाम ना लगाए। चलो अं बच गए, सानू साढ़े भगवान की बड़ी कृपा हुई है, अं भगवान का बड़ा शुक्रगुजार करने हैं, देवी देवतियों का बहुत शुक्रगुजार करने हैं कि अं इस समस्या तो बच गए। पर मैं चाहनी हूँ कि उस लड़की इदा का मतलब सज़ा दी जाए कि अगे तो बाद किसी बच्चे से इदा का उंगल ना उठाए कि ये इस बच्चे इस लड़के ने जा इस लड़की ने जा किसी ने बुजुर्ग ने मेरे नाल ये किया या जो किया। हर पीढ़ी लई ये एक मिसाल बन जाए, उन्होंने इदा का मतलब सज़ा दी जाए। साहब मंत्री जी ते नाल ही एस पी साहब जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ जिन्होंने एडा गंदा केस थोड़े दिनों में ही सोल्व करके सानू जित प्राप्त की है। साडा प्रोहना 10-12 दिन जेल में रहा है, बहुत जेल में रहा, उन्हें बहुत कष्ट सहन किए ने, तो साडा मन हजे तृप्त नहीं होया कि अं खुश नहीं हाँ क्योंकि जोड़ा बजुर्ग इन्ने दिनों तो भटक रहा से जगह जगह उन्होंने इंसाफ नहीं मिले। असं यही चाहते हाँ कि वह लड़की उन्होंने परिवार वाले नूं सख्त सज़ा दी जाए ता कि अगे तो यह क्राइम ना हो। साढ़े पिंड के लोग भी बहुत डरे हुए हैं, कहते कल साढ़े बच्चे जवान ने जे उन्होंने ये स्टैप हो गया तो अं कि पासे जावे। मैं तो एस एस पी साहब एस पी साहब मंत्री जी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हाँ जिन्होंने सानू एडे वे क्राइम होने तो बचा लिया, तो उन्हें अगे यही बेनती की जाती है कि कृपा करके इन कुड़ियों सज़ा दी जाए तो उन्होंने सख्त तो सख्त कार्रवाई उन्हें जल्दी तो जल्दी की जाए। साढ़े को पुलिस स्टेशन सदर के एक पिंड पैंदा है चौंकी करोटा के एरिए चश्मा, थोड़े दिन पहला उत्थे एक इतला आई सी भी किसी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की, उस तो बाद रात नूं लेडीज़ ने कहा भी साढ़े घर के आके एक हैंडीकैप्ड बंदे ने आके सानू साढ़े नाल जाति की, उहदी तफ्तीश जिहड़ी हैगी उह पुलिस ने बड़ी मिनूटली की है। एस पी पी बी आई हरपाल सिंह नूं मौके पर भेजा गया, उन्होंने सारा पिंड इकट्ठा किया, सारी असलीयत बाहर कढ़ी, उत्थे असलीयत तो बाद पता लगा भी वह जिहड़ा वकू आ वह होया नहीं सी रात नूं, उन्हां दा जिहड़ा सवेर वाला झगड़ा सी उहनूं उन्होंने बराबर कर ली रात नूं एक झूठा बकुआ बनाया, तफ्तीश दे विच केस जिहड़ा झूठा पाया गया पुलिस ने कैंसल कर।